हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पंडी रिएक्शन। आज हम वीडियो देखेंगे रिलेटेड टू न्यू दिल्ली। रिसेंटली हमें कुछ सजेशंस आ रही थी कि भाई न्यू दिल्ली से रिलेटेड को वीडियो देखें, तो न्यू दिल्ली को ही देख लेते हैं। सो वीडियो ही इज़ न्यू दिल्ली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया मॉडर्न ब्यूटीफुल सिटी। अच्छा, पहले तो मुझे जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ, न्यू दिल्ली और ओल्ड दिल्ली दे आर अ बिट डिफरेंट। एक ही जगह पे शायद वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप की जगह हैं। जो ओल्ड दिल्ली है वो रिच इन कल्चर हिस्ट्री सारा कुछ, और जो न्यू दिल्ली है दैट इज़ न्यू डेवलप्ड एरिया कैपिटल जैसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दीज थिंग्स। सो इस सारी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स सी द वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लेट्स सी द वीडियो, ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइमली मिलती रहे, यू नो एवरीथिंग राइट। ओके, सॉन्ग इज़ गुड, फर्स्ट लुक इज गुड, टालस मिनाट इन द वर्ल्ड, या ओके ये वाला, ये एक टेस्ट में आया था यार मेरे। सो ओके, हाँ यार आई लाइक दिस ग्रीनरी, दैट्स गुड। हाँ, टू डिफरेंट, ओके दिल्ली इज गॉट 14 गेट्स, ओके लाहौर जैसे, और ओनली वेरी टाइम, या ये जगह मैंने देखी थी, ये नई बनी थी उन दिनों, और ये दी मोस्ट फेमस, पोल्यूशन लेवल वॉज वेरी फेमस थी अबाउट लाहौर में भी और दिल्ली के सिमिलर मसले में। कौन सा गेम टू डेट, ओके दिल्ली मेट्रो इज द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ओके ये चीज़ें नहीं सुनती सुनने को मिलती हमें, सेकंड बेस्ट इन द, नहीं यार सीरियसली सेकंड बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये कौन सी जगह यार, ये नाइस आर्किटेक्चर इज वेरी गुड, दिल्ली वाज प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल किंगडम, यस इट वाज, इट वाज एक्चुअली डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स। हां ऑलराइट, सो दिस इज द पॉपुलेशन, कैपिटल सिंस 1931 भाई, छोटी मोटी बात नहीं है, कंट्री ये आई थिंक पॉलिटिकल वो उनकी वजह से यहाँ पे वो डिफरेंट पार्टी रूल करती हैं एंड देयर पॉलिसी, 50% इज कंपेयर टू, ओके सब आगे हैं एयरपोर्ट पे, इंटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन ऑन CNG, सीरियसली यार ये भी नया और नया पता चल रहा है दिल्ली के बारे में, ये चीज़ें तो पता ही नहीं है हमें। दिल्ली इज द लीडिंग कमर्शियल सेंटर ऑफ इंडिया, ओके दिल्ली इज 22nd मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, यस इट इज, या मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर, it's some of the most unique museums in the country, that's nice, uh-huh, books वहाँ पे भी नीचे बिकती हैं यार, यहाँ पे भी ऐसे बिकते हैं, हाँ ये पीके मूवी में था ये कड़ा वाला। सबके नाम नीचे लिखे आने चाहिए, दिस इज दिल्ली, दिस इज दिल्ली माय फ्रेंड, आप लोग कौन सा दिल्ली देख रहे हो, ये दिल्ली है मेरे यार, नाइस
ये लाइन अच्छी, अच्छा अच्छा टैग है ये। सो ये दिल्ली है, इसमें दिल्ली का पॉजिटिव साइज दिखाया गया है, ओल्ड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर प्लस मॉडर्न डेवलपमेंट और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कम्बिनेशन सिटी। और बाकी इसमें नॉर्मली दिल्ली का जो नाम ज़्यादा हाईलाइट होता है वो सर्दियों के महीनों में, जब बहुत बुरी हालात हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो दुनिया के बहुत कुछ शहरों के नाम हाईलाइट होते हैं, जिनमें पाकिस्तान में लाहौर का नाम हाईलाइट होता है और साथ में दिल्ली का नाम हाईलाइट होता है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो दिल्ली की जब भी हम वीडियोज़ देखते हैं, ये दो डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ थी, वैसे जब ओल्ड दिल्ली की वीडियोस देखते हैं तो वो लाहौर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि दोनों के मसले सिमिलर किस्म के हैं, नोरों का आर्किटेक्चर काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती हैं। और प्लस मेट्रो की जो बात बताई, दैट वाज अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी, ये मुझे नहीं पता था। मेट्रो ट्रेन का तो मुझे पता था दिल्ली की वो सारी, बट बेस्ट इन द वर्ल्ड, सेकेंड बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये चीज़ें नहीं पता थी। ऐसी चीज़ें भी हाईलाइट होनी चाहिए, पॉपुलेशन ऑब्वियसली, और बाकी कैपिटल सिंस 1931, दिस इज़ अ बिग थिंग भाई। दुनिया में ऐसे शायद ही कोई शहर हो जो इतना पुराना कैपिटल हो, इसका मतलब ये है। अब जैसे इंडिया की हिस्ट्री या देखा जाए तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, बहुत सारे हुई, बट हमेशा इसको कैपिटल मेंटेन रखा गया है, तो इसके पीछे कोई बात है भाई, दिल्ली तो फिर दिल्ली है ना फिर, ठीक है। बाकी वो स्लोगन वो अच्छा था, दिल्ली ये दिल्ली है मेरे यार, ये वो वाली साइड है जो हाईलाइट नहीं हो पाती है। बाकी वीडियो काफ़ी शॉर्ट थी, और एक चीज़ था, बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़े अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, आर्किटेक्चर के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनका नीचे नेम टैग वगैरह नहीं था, तो वो समझ नहीं वो क्या थी। बहुत अच्छा अच्छा इम्प्रेसिव किस्म का और बड़ा एक जो है ना अट्रैक्टिव किस्म का आर्किटेक्चर काफ़ी सारी थी, काफ़ी हिस्टोरिक जगह थी और कुछ मॉडर्न आर्किटेक्चर भी था, इसके नीचे टैग्स नहीं थे तो ये नहीं पता चल सका कि वो कौन सा है, फॉर अ न्यू पर्सन और यहाँ फॉर आउटसाइडर। ऑब्वियसली जो लोकल लोग हैं या जो इंडिया के लोग हैं वो तो देखते ही पहचान गए होंगे कि यार हाँ वो देखो ये वो जगह है यार, तो वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती थी। बाकी वीडियो वॉज गुड और आज हमें कुछ नया सीखने को मिला, आई होप आप लोगों को ये सारा कुछ पहले पता होगा, अगर नहीं पता तो भाई बहुत बुरी बात है। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात है, ये एक मेरे कान में समहाउ पड़ी थी, कुछ दिल्ली के एरिया में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी गवर्न करती है, मतलब ऑब्वियसली उनकी पॉलिटिकल पावर यहाँ पे है, तो उनकी पॉलिसीज थोड़ी डिफरेंट किस्म की हैं, और उसको देखते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारी चीज़ें, और सीएनजी वाला पॉइंट दैट वाज वाओ, सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीएनजी पे, इसका मतलब है कि पेट्रोल के ऊपर या डीजल के ऊपर प्रेशर कम हो गया, जिसका मतलब है कि इकोनॉमी से ऊपर, क्योंकि ये इंपोर्ट करनी पड़ती हैं चीज़ें, तो इकोनॉमी के ऊपर एक प्रेशर कम हो गया, सो दिस इज़ अ गुड थिंग और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो गुड जॉब जिनके भी ये इनिशिएटिव्स हैं, जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया, दिस इज़ अ गुड थिंग। खैर इसके अलावा मेरे लिए इसमें काफ़ी कुछ लर्निंग आउटकम थी, पॉइंट थी, एक वो जो किताबें मैंने देखी कि भाई यहाँ पे भी नीचे रख के वो बेची जा रही हैं, उसमें मेरा ऑब्जेक्शन है, यहाँ पे भी बिकती हैं बट किताबों को थोड़ा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, यहाँ पे भी नीचे रख के बेचते हैं ऐसे नहीं बेचना चाहिए, किताबों को रिस्पेक्ट दे मिलनी चाहिए। और वो काफ़ी ये फेमस लाइन है कि शूज़ तो बड़े सजा के और शीशे की अलमारियों में बिकते हैं बट किताबें ज़मीन पर बिकती हैं, तो किताबों को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं मिल पा रही भाई, यहाँ पर भी ऐसी बिक रही हैं, वहाँ पर भी ऐसी बिक रही हैं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है आई थिंक। बाकी हमने कुछ ना कुछ लर्न ज़रूर किया होगा इस वीडियो से, मैंने तो काफ़ी कुछ सीखा, नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली, आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा, कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट करके बताएं, और अगली वीडियो कौन सी देखूँ ये भी बताएं, वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी लाइक कर दें, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से जाकर इस चैनल के मज़ीद वीडियोज़ भी देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हिट द सब्सक्राइब, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।